मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज है संडे, संडे मींस फैमिली टाइम। बाहर चल रही है बारिश, हाइटों में हो रहा है स्नोफॉल। तो आज मेरे बेटू ने और मेरे हस्बैंड ने स्पेशल डिमांड की है मूंग दाल के चीले की। तो चलिए चलते हैं मूंग दाल के चीले बनाने के लिए। मूंग दाल के चीले बनाने के लिए हमें चाहिए मूंग दाल, जिसे मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। अब मैं इसे ग्राइंड कर दूंगी फाइन पेस्ट बनाने के लिए। ये देखिए, अच्छा सा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। इसे मैं शिफ्ट कर दूंगी बाउल में। अब हम इसमें मिला देते हैं अपने रेगुलर मसाले। पिंच भर हींग, हाफ चम्मच हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, हाफ चम्मच रेड चिली पाउडर। इन सभी मसालों को हम मिक्स कर देते हैं पेस्ट में। देखिए, बैटर कुछ इस तरह से बन गया है हमारे पास। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। इसमें मिला देते हैं हम कसूरी मेथी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक मैंने डाला है क्योंकि नमक थोड़ा सा कम हो गया था। ये है मेरे पास कुछ चॉप की हुई सब्जियाँ, बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटी हुई कैप्सिकम एंड फाइन चॉप अनियन, और इधर है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये मेरे पास कुछ घर का पनीर पड़ा था जिसे मैंने ग्रेट करके रखा है। पैन में मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। इसमें मैं मिला दूंगी 2 चम्मच ऑयल, आप घी भी डाल सकते हैं। अब मैं मिला दूंगी इसमें जीरा। जीरे को चटकने के बाद अब मैं इसमें मिला दूंगी अदरक। अदरक को हम हल्का सा सौते करने के बाद इसमें मिला देंगे एक एक करके सारी सब्जियाँ। सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इन्हें हल्का सा क्रंची रखना है। क्रंची फ्लेवर सब्जियों में बहुत अच्छा लगता है। सब्जियों को ग्रेट भी कर सकते हैं, पर मैंने बारीक चॉप कर दी थी। अब हम इसमें मिला देंगे रेगुलर मसाले, सॉल्ट। सॉल्ट को ध्यान से डालिएगा क्योंकि मैंने बैटर में भी डाला था। हल्दी भी डाल देंगे और धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर अगेन। अच्छे से इन्हें मिक्स कर देते हैं और इसे शिफ्ट कर देते हैं बाउल में ठंडा होने के लिए। अब हम इसमें मिला देंगे ग्रेट किया हुआ पनीर। पनीर हम कच्चा ही मिला देते हैं। अब इसमें मिला देंगे हरा धनिया। ये हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है, टेस्टी एंड सुंदर। तवा मेरा गरम हो चुका है, इसे हम ग्रीस कर देंगे ऑयल के साथ। इस तरह से एक स्पून के सहारे से मैं बैटर को फैला दूंगी तवे पे, जिस तरह से डोसा बनता है। और इसे हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक देते हैं। अच्छे से सिकने के बाद ऊपर फैला दूंगी मैं स्टफिंग। स्टफिंग लगाने के बाद अब हम चीले को फोल्ड कर देते हैं। चीले को हमें दोनों तरफ से फोल्ड करना है और इसे कट कर देते हैं। चीले रेडी। कैसे बने? यम्मी। ये देखो, इतनी तेज़ बारिश हो रही है बाहर कंटिन्यू। कल रात से बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश। का मतलब क्या है कि रोड ब्लॉक, हाइटों में स्नोफॉल, हम लोग हो चुके हैं पैक। भाई सर्दी का टाइम जो है मेरे लिए दिन काटने जैसा है। कपड़े नहीं सूखेंगे भाई इस बार, तो कपड़े गीले हैं, कपड़े नहीं सूख रहे हैं। ऐसे मौसम में कपड़ों का सूखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इधर मजे हो रहे हैं बिस्तर में घुस के, मैच का आनंद लिया जा रहा है। पहाड़ी सॉन्ग सुन रहे थे आप अभी तक? फिर चाय बना दूं? भाई तो मैं बनाती हूँ चाय, हर्षित की बनाते हैं कॉफी। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग रेस्ट कर रहे थे, या ये कह लो कि टीवी देखते देखते थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे।
लंच में हमने पुलाव बनाया था, मेरे हस्बैंड जी ने पुलाव बनाया था आज। अगर बारिश ऐसी रही 2-3 दिन तक फिर आप नहीं जाओगे पियो? मतलब आप 3-4 दिन तक वापस हमारे साथ रहने वाले हैं? नहीं बोल सकते। चलो अच्छा ही है, रोड बंद हो जाए तो चरण छू गए। गॉड ब्लेस। मेरी कोई नहीं सुनता भाई इस घर में। मेरे हस्बैंड अभी भी टीवी पर लोकल चैनल पर पहाड़ी सॉन्ग सुन रहे हैं। कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ भी नहीं समझ, कुछ नहीं आ रहा। चाय वाला कैसे दे रहे माँ? कैसे आप दे रहे? अरे जैकेट के और कप का मैचिंग मैचिंग हो रहा है। हाँ कैसे, हम जाके आते हैं ठीक है। लाइट ऑन कर दो यहाँ की रूम की। तो अंधेरे में क्या कर रहे हो? कपड़े नहीं सूखेंगे भाई हमारे। ये टोपी मेरे को दे दो, ये नहीं मेरे को चाहिए। यहाँ से शॉर्टकट है, फिर इधर जाएंगे हम उधर जाएंगे। कहाँ रह गए हम लोग? सब जगह से घूम के भी आ गए। ये साहब जी की अभी तक वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है, ये देखिए बोला हॉन्टेड वीडियो में इतना गुस्सा हुआ रहता है ना ये। वाह बस यही था और कुछ नहीं था, जो कुछ भी था मेरे पास मैंने वही उसी से बना लिया। मूवी में मगन हुए हैं दोनों। इससे शादी करनी है बस, चवन्नी अठन्नी कटन्नी कोई फर्क ना पड़ता है। डिनर हमने कर लिया है, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। हर्षित और हर्षित के पापा दोनों भूतिया मूवी देख रहे हैं। कल भी ये दोनों इंटरनेट पे मूवी देख रहे थे भाई डरावनी, और आज वापस डरावनी मूवी देख रहे हैं, और दोनों मिलके मुझे हाउ हाउ करके डराते रहते हैं। दोनों के दोनों लगे पड़े हैं मूवी देखने और रिमोट के लिए फाइट कर रहे हैं। करो जरा लड़ो जरा वापस, कैसे लड़ते हैं? शांत हो गए कैमरा देख के? नहीं। वाह बेटा। गाइज मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो की एंडिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं जा रही हूँ मूवीज़ देखने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she-